मॉर्निंग गाइस, कैसे हो? राधा जय श्री कृष्ण, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छी हो गए। मैं क्या बोलती हूँ समझ नहीं आता। तो गाइस, तो मैं कल शॉपिंग करके आ गई हूँ। बेबी के लिए शॉपिंग की है, अपने लिए कुछ शॉपिंग की है मैंने, क्योंकि मुझे बैग लगाना है, क्योंकि 9 मंथ्स शुरू हो गया। और मेरे बहुत से कमेंट्स देखे हैं और सब आप सबके कि कभी भी 9th मंथ में हो सकता है, तो बैग लगा के पहले से मैं गाड़ी में रख दूंगी, ताकि बाद में लोड ना रहे कि अरे मैंने बैग नहीं लगाया, गाड़ी में रखा, बाद में भूलूँ ना मैं ये सब चीज़ें। और आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि आप बैग लगा लो, ताकि और भी लोग लेडीज़ हैं जो उनको हेल्प मिले। देखो, हर किसी की अलग अलग चॉइस होती है, हर किसी की अलग अलग चीज़ों की नीड होती है। तो जो मैं अपने बैग में रखूँगी शायद वो आप ना रखूँ, और जो रखूँगी मैं क्या पता आप रख लो, तो एक हेल्प आपको भी मिल जाएगी। मैंने भी बहुत सारी वीडियोस देख के ही सामान लिए हैं। तो चलते हैं, आपको वीडियो स्टार्ट करते हैं और बताना कि क्या क्या और रखना है मुझे, क्या क्या और लेनी है चीज़ें। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं मार्केट से कल लेके आई हूँ, वो मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या लेके आई हूँ मैं, ठीक है? और आप सब, मुझे पता है कि आप सब लोग कहोगे कि बेबी कपड़े आपने इतनी जल्दी क्यों ले लिए। बस ऐसे ही कि मुझे थोड़ा सा दिमाग भी बोला था उनको कहीं फोटोशूट वगैरह कराएंगे, तो उसमें नीड पड़ती थी कपड़ों की, तो इसलिए मैंने ले लिए। और कपड़े दिखाऊंगी आपको मैंने कौन कौन से बेबी के कपड़े लिए, बहुत अच्छे अच्छे से हैं और बहुत क्यूट क्यूट से कपड़े हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। चलते रहे वीडियो, बने रहिएगा पूरा और पूरी वीडियो देखिएगा, ठीक है? आ गई है स्वाति शॉपिंग करने के लिए, बच्चों के लिए ना। स्वाति बच्चों के कपड़े लेने आ गई है, अभी उसे बैग पैक करना है इस वजह से डिलीवरी के लिए। तो बच्चों को नए कपड़े थोड़ी पहनाते हैं? नहीं पहना रहे। फिर हेलो, कैसे युग खुश हो रहा है? तुम्हारे लिए नहीं है, छोटे बाबू के लिए लेने आए हैं बेटा। जीरो से 24 मंथ के लिए। तो गाइस, मैं पहली बार बच्चों के कपड़े खरीद रही हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हूँ कैसे कपड़े लूँ कैसे ना लूँ, मतलब एक्साइटेड, खुशी बहुत हो रही है, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज भी हूँ मैं बहुत। ले लो दो स्कॉर्पियो ले रही है साथी अपने लिए, बाय वन गेट वन फ्री वी मार्ट। चलो एक के साथ एक फ्री बेटा। तो गाइस, बेबी के लिए ले रही थी मैंने थोड़ा बहुत, तो मैं अपने लिए भी शॉपिंग कर लेती हूँ। तो मैंने कहा थोड़ी कुर्ती देख लेती हूँ कि मतलब अच्छी सी कुर्ती थी, पर ये वाइट कलर की मुझे ठीक नहीं लगी। मैंने कहा वाइट कलर नहीं अच्छा नहीं है, तो मैंने और सारी कुर्ती देखी। मगर थोड़ा आप आइए तो अपने लिए शॉपिंग करना बनता है ना, और इतने अच्छे अच्छे मतलब ड्रेसेस हैं तो कुछ तो लेना बनता है। तो चलते देखते हैं क्या लेती हूँ मैं। इसके लिए गिफ्ट ले लिया है हमने, ये लिया यार, तुम्हें चेक कराना पड़ेगा, ये सोच रहा वापस ना कर दिया, ले ठीक है रख दूँ। लिया है मैंने, तुम घबरा रहे हो वैसे फालतू में, तो ऑर्डर ले लिया है हमने, चलते हैं घर। तो फाइनली मेरी शॉपिंग हो गई, अब घर चल के आपको बेबी के कपड़े दिखाती हूँ और मैंने क्या लिया वो दिखाती हूँ। आ जाओ आ जाओ, अरे धुंधला सा आ रहा है यार, आ जाओ, अभी भी धुंधला आ रहा है, आ गया। तो वी मार्ट से शॉपिंग करके आई है स्वाति, जबरदस्त वाली बिल बना दिया, बहुत तगड़ा वाला। तो गाइस, अब मैं दिखाती हूं कि आप मैंने क्या क्या शॉपिंग की है, बेबी के लिए क्या लिया है, अपने लिए क्या लिया है, और चलिए दिखाती हूं। मैंने ये लिया है क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा नीड होती है, आपको पता होगा लेडीज होगी उनको पता है इसकी नीड, हमें स्टार्टिंग में ही पड़ेगी। और अब दिखाते हैं आपको बेबी के कपड़े। सबसे पहले किसके दिखाऊं, बच्चों के, लड़के के और लड़की दोनों के दिखाओ, किसी का भी दिखाओ, क्योंकि अगर मैं लड़का बोलूंगा तो कमेंट करेंगे लड़की के क्यों नहीं बोले, लड़की बोलूंगा तो कहेंगे लड़के के क्यों नहीं बोले। लड़की के चॉइस तो आप ही ने किए थे ना? हाँ हाँ, लड़की के चॉइस मैंने करे थे और लड़के के स्वाति ने। सबसे पहले ये पिंक सी क्यूट सी बार्बी डॉल वाली फ्रॉक, वाओ कितनी प्यारी लग रही ना, ये मेरे जन्मदिन पे पहनेगी वो, जन्मदिन पे उस छठी पर आएगी, छठी पर गोवा में पहनती है, हां 17 जुलाई को। अच्छा, और कितनी प्यारी लग रही ना, तो आप लोग कमेंट कर बताइए कैसी लग रही है फ्रॉक, हमें पता नहीं लड़का है लड़की है, इसमें दोनों शॉपिंग कर ली। और एक और लाई हूँ ड्रेस जो बहुत ही ज्यादा प्रिटी है, बहुत ही ज्यादा यूनिक है, मतलब जो मैं आने वाले टाइम में ऐसे ही कपड़े पहनाऊंगी अपने बेबी को। ये है स्कर्ट,
और ये है टॉप। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, ये तो तुम्हारी भी आ जाएगा मेरे को लग रहा है। वेरी गुड, नाइस। और ये इसकी बेल्ट है। तो दो जोड़ी मैंने गर्ल के लिए, दो जोड़ी बॉय के लिए। अब आ जाते हैं बॉय पे, जो मैंने पसंद की है, बहुत ही अच्छी पसंद की है मैंने। इतने तो इन्होंने भी पसंद किया, अच्छे से मैंने किए हैं। बॉय के कपड़े इतने सॉफ्ट सॉफ्ट है, इतने मतलब, और गर्ल्स में हमें ऑप्शन ज्यादा मिल जाते हैं, बॉय में इतने ऑप्शन नहीं मिलते। बॉय में क्या, पैंट और शर्ट। ये है हमारे क्यूट से ध्रुव का कपड़े। वाओ, चिंपैंजी लगेगा पहन के। जिस चुनाव चिंपैंजी हीरो लगेगा, हीरो कितना प्यारा लग रहा है ना। एक ये है और एक और लिया है मैंने, क्योंकि गर्मी है, गर्मी के हिसाब से मैंने बहुत ही लाइट वेट कपड़े लिए हैं, उसको गर्मी ना लगे ना। ये इसलिए इसमें उसको गर्मी भी लगेगी और बहुत ही हल्का हल्का महसूस करेगा। तो ये लिए है मैंने बेबी के लिए कपड़े। आप लोग बताना कौन सा अच्छा लग रहा है, गर्ल के अच्छा लग रहा है, बॉय के अच्छा लग रहा है, ठीक है। और अपने लिए लिए मैंने दो, ये दो स्कार्फ, ये जब बेबी होने के बाद या सर पे बांधते ना, कि मतलब ठंड ना लगे, कानों में हवा ना जाए। तो मैंने ये दो स्कार्फ लिए हैं। और मैंने कुर्ती उर्ती नहीं ली है, और मैंने जो और पैकिंग करूंगी शॉपिंग, मतलब बैग पैक जो पैक करूंगी, वो मैंने ऑलरेडी पैक करके रखा है, पर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या पैक और करना है, तो वो उसकी वीडियो कल आएगी आपके पास। तो आप बने रहिए, मुझे इतनी चीजों की नीड थी शॉपिंग के लिए, मैंने कर ली है, और डिलीवरी पैक की शॉपिंग की कल आएगी, इसमें बने रहिए आपको। गाइस कैसे लगे आपको ड्रेसेस? बहुत ही प्यारी प्यारी ड्रेस, मुझे बहुत अच्छी लगी। और कैसे लगी ड्रेस? अच्छी है। तो गाइस इस ब्लॉग को ये एड करते, कैसे लगा ब्लॉग लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। लव यू।